Hi student, and today we are going to solve question number 6 from exercise 13.1 statistics ka class 10 says. So question says the table below shows the daily expenditure on food of 25 household in a locality. So yahan hamari kya de rakha hai, daily expenditure yani ki daily ka kharcha de rakha hai, aur yahan de rakha hai number of household. Agar 4 hote hai to 150 se 100 से 150 रुपए खर्चा आता है. 5 लोग हैं तो 150 से 200, एंड 12 लोग हैं, 12 है नंबर ऑफ हाउस होल्ड तो 200 से 250, एंड 2 है तो 250 से 300, एंड 300 से लेकर 350 होता है 2 लोगों के लिए. तो यहाँ हमारा डेली एक्सपेंडिचर दे रखा है फूड के ऊपर, ठीक है. 25 घरों का किया गया है इसमें सर्वे, और उसका डेट टेबल हमें यहाँ गिवन है. तो हमें निकालना है फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय सुटेबल मेथड. तो हम इसमें कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं, मीन मेथड, मीन निकालने वाले हैं. कौन से मेथड थे, स्टेप डेविएशन से. अगेन स्टेप डेविएशन से निकालेंगे. लेट मी चूज द ब्लैक कलर. सो सबसे पहले गाइस हमारा स्टार्ट करेंगे कि स्टेप डेविएशन से मेथड हमारा मीन का फॉर्मूला क्या होता है. तो मीन का हमारा फॉर्मूला होता है स्टेप डेविएशन से ए प्लस समेशन ओवर एफ आई यू आई अपॉन में समेशन ओवर एफ आई, ठीक है, एंड इनटू एच. ए होता है हमारा एज्यूम्ड मीन, एच होता है हमारा क्लास डिफरेंस. जैसे क्लास डिफरेंस यहाँ देखेंगे, क्लास जो रखी है ये क्लास रेंजेस, इनमें डिफरेंस कितना है 150 का डिफरेंस है, तो यही हमारा क्लास साइज होता है, ठीक है. तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लास मार्क निकालने से. क्लास मार्क्स का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, अगर आपने पिछले क्वेश्चन देखे होंगे मेरी वीडियो के तो आपको पता होगा. क्लास मार्क का मतलब होता है हमारा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को ऐड करेंगे एंड उसे डिवाइड कर देंगे 2 से. फाइन, तो यहाँ हम जैसे अपर लिमिट हो गया. अब क्लास साइज की बात कर लेते हैं, क्लास साइज क्या है हमारा इसका. तो क्लास साइज मैंने आपको बताया है जो क्लास में जो ये इंटरवल दे रखा है, कितने का इंटरवल है, 50 का इंटरवल है, 50-50 का अंतर है आपको उसमें. तो क्लास साइज एच कितना निकल गया हमारा 50, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना आपका क्लास साइज निकल जाएगा 50. फिर बात करते हैं आगे किसकी. क्लास साइज हो गया 50, क्लास साइज निकल गया. अब निकालते हैं हम इसमें करते हैं कोई एज्यूम लिख कर लेते हैं किसी भी मीडियम को. तो लेट्स टेक एज्यूम्ड मीन. तो एक ही मीन एज्यूम करने वाले हैं क्वेश्चन के लिए, ठीक है. और वो है हमारा 225, हमने बीच में से ले लिया कोई भी, ठीक है. तो 255 मैंने एक मीन ले लिया. अब इसी को हम यूज़ करेंगे फॉर्मूले में. तो फॉर्मूले में आप देखेंगे ये ए है, यही हमारा एज्यूम्ड मीन है, ठीक है. तो सबसे पहले गाइस हमें टेबल बनानी पड़ेगी. तो यहाँ हमारे जो स्टेप डेविएशन वाला मेथड है इसमें गाइस हमारे 6 कॉलम बनते हैं. तो पहला जो 2 कॉलम होंगे वो तो हमारे टेबल से ही मिल जाएंगे जो क्वेश्चन में हमें गिवन है. पहला है डेली एक्सपेंडिचर वाला, और दूसरा हमारा है गाइस नंबर ऑफ हाउस होल्ड वाला. तो ये दोनों हमारे तो सेम ही होने वाला है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है. तो पहला क्या हमारा डेली एक्सपेंडिचर, और सेकंड हमारा है ये रुपीस में होने वाला है बेसिकली, तो हम रुपीस में दे देंगे. और जो सेकंड है वो है हमारा नंबर ऑफ हाउस होल्ड, ठीक है. और जो सबसे पहले ये जो नंबर ऑफ हाउस होल्ड है ये हमारी फ्रिक्वेंसी हो गई. अब स्टार्ट करते हैं गाइस, टेबल को ऊपर से उतार लेते हैं.
100 से लेकर 150 में कितने हाउस होल्ड है, 4, एंड 150 से लेकर 200 के बीच में कितने हाउस होल्ड है, 5। फाइन, सो मैं इसे अब नीचे करना होगा। उसके बाद क्या है, मैं तो भूल ही गया, देखना होगा मुझे रोज एक मिनट। हाँ, ये टेबल को बस साइड में रखते हैं जिससे दिखता रहे, इम्पोर्टेंट तो ये बस नीचे के नंबर्स है बेसिकली। तो और क्या है हमारा, 200 से लेकर 250 पे कितने हमारे हैं, 12। उसके बाद 250 से लेकर 300 पे कितने हैं हमारे, 2। एंड लास्ट है हमारा 300 से 350 पे भी कितने हैं हमारे, इसमें भी 2। जो फर्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप डेविएशन में, वो क्या आएगा गाइस, सबसे पहले हमने क्या निकालते हैं, क्लास मार्क निकालते हैं। और क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो क्लास मार्क में अपर लिमिट ये हो गया 150, ठीक है, एंड लोअर लिमिट हो गया हमारा 100, और से प्लस दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 150 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 250 बाय डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा हमारा, 125। आपको क्या करना है, अपर लिमिट कितना है हमारा इसमें 150, लोअर लिमिट है 100 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा हमारा 250 डिवाइडेड बाय 2, ये काटने पर आ जाएगा 125। तो आपको ऐसे ही गाइस सारी वैल्यूज़ निकालनी होगी। नेक्स्ट में हमारा है 200 एंड 150, दोनों को ऐड करेंगे आएगा हमारा 350 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 175। ऐसे ही नेक्स्ट आएगा हमारा गाइस इसमें 225। तो क्लास साइज़ हमारा 50-50 है, तो आप 50-50 इसमें ऐड करते हुए जा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारा 275, और नेक्स्ट आ जाएगा हमारा लास्ट 325। ये हो गया। अब नेक्स्ट कॉलम जो होगा वो होगा हमारा डी का, डेविएशन का, और इसे डिनोट करेंगे डीआई से, और ये होता है बेसिकली गाइस हमारा एक्सआई माइनस ए, ठीक है, एक्सआई माइनस ए, यानी कि डी की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक्सआई में से ए को माइनस कर देना, जो कि हमारा 225 है। तो सबसे पहले 125 में से 225 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, माइनस का 100, ठीक है। फिर एक्स में से ए माइनस करना है अगेन, तो 175 में से 225 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 50। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा 225 में से 225 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 0। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा 50, फिर आएगा हमारा 100, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होता है स्टेप डेविएशन में यू निकालने का, क्योंकि फॉर्मूले में हमारा यू है तो यू निकालना होता है। यू का फॉर्मूला होता है हमारा डी आई अपॉन में एच। अब डी आई क्या है हमारा, जो हमने निकाल दिया ये कॉलम में, और एच हमारा होता है क्लास साइज। तो डी को वैल्यू, डी को आपको डिवाइड करना है एच से और साथ साथ लिखते जाना है। पहले इस 100 को 50 से डिवाइड करेंगे, एच से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा माइनस का 2। फिर हमारा डी को एच से डिवाइड करेंगे, 50 से माइनस डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1। अगेन डी को डिवाइड करेंगे 50 से एच से तो ये आएगा 0। 50 से 50 को डिवाइड करेंगे 1, फिर आएगा हमारा माइनस, फिर आएगा हमारा 2, ठीक है। जो लास्ट स्टेप होता है गाइस इसमें होता है हमारा एफ आई यू आई निकालना। एफ आई यू आई यानी कि प्रोडक्ट निकालना है दोनों एफ आई यू यू का और एफ का, ये जो नंबर ऑफ हाउस होल्ड है। तो आपको मल्टीप्लाई करते जाना है, तो सबसे पहले आएगा हमारा 4 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा माइनस का 8। 5 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा माइनस का 5। 12 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 0। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 4। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा, क्योंकि फॉर्मूले में गाइस हमें समेशन निकालना होता है एफ आई यू आई का एंड एफ आई का, तो आपको इसको
एफ आई को सम करना है और एफ आई एंड एफ आई यू आई का भी आपको सारा सम निकाल देना है। तो कैसे निकालेंगे, इट्स क्वाइट ईजी। सबसे पहले हमारा समेशन निकालेंगे एफ आई का, तो दोनों को ऐड, सबको ऐड कर देंगे हम। फोर फाइव कितना हो गया हमारा, फोर और फाइव हो गया हमारा नाइन, नाइन और ट्वेल्व हो गया हमारा ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन और टू कितना हो गया हमारा ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी फाइव, तो ये आ गया हमारा ट्वेंटी फाइव। नेक्स्ट स्टेप्स एफ आई यू आई का समेशन निकालेंगे, तो माइनस माइनस को सबसे पहले ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा थर्टीन, और प्लस प्लस को ऐड कर लेते ये हो जाता है हमारा सिक्स। तो प्लस माइनस माइनस होता है, थर्टीन में से सिक्स गया, माइनस सेवन आएगा, सेवन तो माइनस का सेवन आंसर आएगा हमारा इसमें, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब सिंपली गाइस हम इसमें मीन का फॉर्मूला लगा देंगे, सब कुछ निकल चुका है हमारा। तो बाय स्टेप डेविएशन मीन का फॉर्मूला क्या है हमारा, ए प्लस समेशन ओवर एफ आई यू आई अपॉन में समेशन ओवर एफ आई अपॉन मल्टीप्लाई में एच, ये होता है फॉर्मूला। एज्यूम कितना किया था हमने मीन 225, ठीक है, और समेशन कितना निकला है एफ आई यू आई का, आया है हमारा माइनस का सेवन, एंड समेशन ओवर एफ आई कितना निकला है हमारा, सम ऑफ फ्रिक्वेंसी सारा कितना निकला है हमारा 25, एंड साइज क्या है क्लास साइज, वो है हमारा 50। तो 25 से टू बार में कट जाएगा हमारा 50, तो सिंपली ये गाइस हमारा 225, सेवन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा माइनस का 14, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा 211। तो मीन जो हमारा मीन डेली एक्सपेंडिचर कितना आ गया हमारा 211। तो आप कह सकते हैं, स्टेटमेंट लिखनी है आपको लास्ट में, देयरफोर द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज रुपीज 211। So yeah, that's how you can solve this question guys. Hope you like it. Subscribe for more videos. Till then, bye-bye.